इंतजाम है कि पार्टी वार्टी करनी हो और कुछ काम रह गया हो तो उसके हिसाब से उड़ाते हैं ना बंदे, जब बन के या 10 के हो जाते हैं तो उसके लिए शैंपेन बहुत काम आती है। तो जाहिद भाई ने सबने सबका काम वेलकम टू मी व्लॉग। आज हम खड़े हैं सुरेश नगर के नवाब रोड पे। हम आए अल जाहिद लॉलीपॉप मशहूर खाने, यहाँ का बहुत नाम सुना है, बहुत ट्रेंड में चलता है। तो मैंने दो तीन दिनों जनों से और दो तीन दिन पहले लोगों के नाम से बहुत तारीफ सुनी है यहाँ की, अल कुरेश नवाब रोड के यहाँ के अल जाहिद लॉलीपॉप वालों की। तो आज यहाँ का टेस्ट लेने हम आखिरकार आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं रेस्टोरेंट में विजिट कर चुका हूँ और यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है। आप देख सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं है। तो फाइनली गाइस अल जाहिद रेस्टोरेंट के ओनर के बेटे हमारे पास आ चुके हैं। तो समय पहले ये बताएं कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर क्या क्या वैरायटी बेच रहे हैं आप यहाँ पे रेस्टोरेंट? सर मेरे पास वैरायटी सब होती है, मेन कोर्स में होता है और अपना स्टार्टर्स में भी होता है, सारी वैरायटी होती है अपने पास। सारी वैरायटी, स्पेशली वैरायटी क्या होती है सर आपके? स्पेशल मेरे पास सर अफगानी चिकन है, तंदूरी चिकन भी है, हरियाली चिकन है, बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन है, तवा चिकन है, सारी चीज़ें स्पेशल है, सारी सब मुगलाई है। और मैंने सुना सर आपका जो ट्रेंड में चलता है वो लॉलीपॉप है। हाँ जी लॉलीपॉप है, अफगानी भी है। लॉलीपॉप और अफगानी ट्रेंड में चलता है। ये इस रेस्टोरेंट ओनर के बेटे साहब हैं और दूसरे भाई खड़े हैं, इनके फ्रेंड हैं। कौन है सर आप इनके? मैं इनका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड है तो भाई साहब कैसे हैं आप ये बताएं? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कहीं जा रहे थे, मैंने रोक लिया, मैंने भाई साहब रुक जाओ पहले बाइट दे के जाओ, आप रेस्टोरेंट के ओनर के बेटे और शहजादे के दोस्त हैं, तो दोनों को रोक लिया। तो अभी जब हमने यहाँ पे एंट्री करी थी तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, मेरी घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर, क्योंकि यहाँ सब जगह पर पब्लिक भर भर के बैठी हुई थी, क्राउड बहुत तकड़ा था। तो सोचते हुए भी और घुसते हुए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे भी और यहाँ पे बैठे रेस्टोरेंट वालों को भी, कि जगह ही नहीं थी, स्पेस ही नहीं था इतना, इसलिए तो मैंने उनका जाने का थोड़ा वेट करा। आप देखो खुल्लम खुल्ला है रेस्टोरेंट, देखें रेस्टोरेंट का व्यू देखें, चारों तरफ से कितना बेहतरीन आलीशान बना रखा है और टाइलें देखें खान। ये रेस्टोरेंट नीचे का सेटअप है और फुल आनंद लेके आप अपना ग्रुप मेंबर लाके अपने फ्रेंड सर्कल को लाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, चिकन वगैरह को, हर चीज़ को। तो कुल मिलाकर ये है अल जाहिद पे आए, लॉलीपॉप ना खाई तो क्या खाया। बाकी मैं इनकी स्पेशलिस्ट एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेरे साथ यहाँ की लॉलीपॉप के साथ स्पेशल चटनी है, ये ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं, ये क्वांटिटी में बना रखी है भाई साहब ने। और इस चटनी की जो स्पेशल बात है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप 10 कटोरे ऐसे पी सकते हैं, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। दिखने में ग्रीन है लेकिन है बहुत ही लाइट और मज़ेदार टेस्ट है, जैसे आप रायता पी रहे हो, बहुत ही यूनिक ऑसम टेस्ट है। सारे दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि लोकल के बंदे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी बात करते हैं बाहर जाके यहाँ के ओनर से भी और यहाँ के रेस्टोरेंट में आए जायके ले। तो फाइनली जो मेरे दोस्त हैं जो 10 साल से इस रेस्टोरेंट में विजिट करते आ रहे हैं, टेस्ट का आनंद लेते आ रहे हैं, इस्लाम भाई, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमारा भी ऑर्डर आ गया, मैं इस्लाम भाई से पहले टेस्ट के बारे में पूछूंगा, तुम्हें कैसा टेस्ट लगता है यहाँ का? मैं अभी बताऊँगा, रुको। अच्छा रुके, यही क्या? अरे वाह, तुम्हारी भी फेवरेट चटनी है,
ये देखें आप इसकी हाई स्पीड से लॉलीपॉप मैंने साइड कर दी। वाह 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 वाह, इससे अच्छा टेस्ट नहीं है। चटनी अनलिमिटेड जितनी पी सकते हैं आप पिए, और चटनी का वाकई लगे इंसान दोनों के लिए आता है, चटनी के लिए लॉलीपॉप के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, देख रहे हैं आप चटनियां उछाल दी है मेरे भाई ने, हड्डी उछाली नहीं उछाली लेकिन चटनी। ये देखें दम, देखें दम कितना है मेरे भाई पे, फोकस करें। ये 20 कटोरी और भी नहीं अभी, जबरदस्त टेस्ट है। तो आप स्पेशल चटनी के लिए आए तो चटनी पैक करा लें। अरे सर बिल्कुल, मैं तो सारे ले आऊंगा, मैंने चटनी भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैं टेस्ट करके देखता हूँ, दिखाइए मुझे। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये अफगानी है, ये बटर नान है, और ये हमारी फेमस लॉलीपॉप, और ये चटनी रायता विद बायता। वाकई यूनिक टेस्ट है अल जाहिद रेस्टोरेंट का, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे तो, जितना खाया जाए उतना कम है। लॉलीपॉप खाने में अलग ही मज़ा आ रहा है, अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, मुलायम है सॉफ्ट है, यानी कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट चबाए न जाए, बहुत ही अच्छा है। अफगानी चेक करते हैं, ये देखें ये अफगानी है। ओहो हो, वाह ओजम मामला से। अल जाहिद रेस्टोरेंट के ओनर हमारे पास आ चुके हैं, सब में पहले ये बताएं सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं अल जाहिद के ओनर जावेद भाई हमारे साथ आ चुके हैं, तो सर कितना टाइम हो गया आपको इस रेस्टोरेंट को करे हुए? सर मुझे 20 साल हो गए हैं इस रेस्टोरेंट को करे हुए, और 20 साल पहले मैंने ये चिकन फ्राई से शुरू किया था काम अपना, तो आज अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, आज मेरे पास हर वैरायटी है यहाँ पे, बट इंडियन तंदूर मुगलाई सब खाने हैं मेरे पास यहाँ, सारे खाने हैं जी मेरे पास सारे खाने। तो स्पेशलिस्ट क्या है सर आपके डिश में? सर स्पेशलिस्ट में मेरे पास जैसे एक लॉलीपॉप है, क्रिस्पी करके मैं लोगों को देता हूँ, तो लोग इसका इंजॉय करते हैं, और जो मैं लॉलीपॉप बनाता हूँ ये एक अलग हटके लॉलीपॉप है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जी जी जी। जैसे मेरा फ्राई चिकन है, ये फ्राई चिकन आप अगर खाएंगे तो ये एकदम एक सॉफ्टनेस फील करेंगे आप अपने अंदर, एक आप जिसे माउथ फ्रेश बोलते हैं इसे, तो एक सॉफ्टनेस होगी मेरे चिकन के अंदर। बहुत बहुत दूर से मेरे पास आदमी आता है चिकन खाने के लिए, तो जैसे मेन कोर्स है, आदमी मेरे पास खाना खाने के लिए आता है, उसको हर तरीके का खाना चाहिए होता है मेन कोर्स में। तो जैसे मैं एक दाल देता हूँ, एक बटर चिकन देता हूँ, तो दाल आप मेरी देखेंगे तो शायद आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जी वाकई यूनिक टेस्ट है। जब हम यूट्यूबर होके खिंचाए बाड़े की तरफ यहाँ पे भाई साहब के पास, तो और पता नहीं कहाँ कहाँ के हमारे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। आइए आप, और यहाँ पे भाई साहब खा कर आए, कैसा टेस्ट है भाई साहब का? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। अफगानी और लॉलीपॉप, चिकन फ्राई, तंदूरी, मैं कह रहा हूँ इससे बेहतरीन खाना दिल्ली शहर के अंदर, खास करके दिल्ली शहर के अंदर कम बजट में इतना बेहतरीन टेस्टी लजीज उम्दा खाना नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। और हम अक्सर आते हैं यहाँ पे, और इनकी चटनी भी काफ़ी टेस्टी होती है, इनकी जैसी चटनी मैंने पूरी दिल्ली में गया, मैं जब भी इंडिया में जहाँ भी घूमने गया हूँ कहीं भी इनके जैसा चटनी नहीं मिला मुझे। बहुत टेस्टी है और खाने को भी हजम कर देता है, और जो होता है ना कि खाना खाने के बाद पेटों में अकड़न वकड़न, वो नहीं है, चटनी खाते ही ऐसा लगता है कि खाना हजम हो गया, और चटनी के अंदर टेस्ट भी बहुत बढ़िया है इनका। हर आइटम जो भी ले लो, तंदूरी ले लो, अफगानी ले लो, चिकन ले लो, फ्राई ले लो, फिश फ्राई ले लो, जो भी ले लो, मटन कोरमा हो, चिकन कोरमा हो, बेहतरीन जो भी चीज़ें खाओगे आप मज़ा आ जाएगा। कुल मिलाकर हर मर्ज की दवा चटनी में? बिल्कुल बिल्कुल, हर मर्ज की दवा चटनी में, चटनी इनका बहुत लजीज उमदा है, और खास करके मैं चटनी के लिए। तो जावेद भाई हमने सुना है कि आपका एक रेस्टोरेंट और है, फैमिली रेस्टोरेंट आपने बना रखा है छोटा सा, कोई जी मैंने फर्स्ट फ्लोर पर बना रखा है, फर्स्ट फ्लोर पर, तो दिखाएंगे हमारे व्यूअर को किधर है। यहाँ पे फैमिली आए, बच्चे आए,
मतलब हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे हमारे पास, आराम से इंजॉय करें फैमिली अपने आगे। मेरे पास अब जो है लोग मतलब एक एक घंटे के लिए भी लेते हैं, जैसे 30-35 लोग आ गए हैं तो वो मुझे बुक कर देते हैं एक घंटे के लिए। पर्सनल बुकिंग भी जी, ये पर्सनल बुकिंग भी लेता हूँ मैं। बुकिंग का कुछ चार्ज है या खाने के? जी नहीं, वो खाने के साथ ही है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। जी जी, चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप जितना खाएंगे उसका पे करेंगे, चाहे आप 30 आ जाएं, चाहे आप 5 आ जाएं, चाहे 10 आ जाएं। ये फैमिली रेस्टोरेंट बना रखा फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे अपनी घर की लेडी से ला के सिक्योरिटी के साथ आप खा सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ऐसे ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे पूरा इंतजाम है पर्दे का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई भी आए यहाँ पे, बट आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही फर्स्ट क्लास, आप देख सकते हैं कितनी साफ सुथरा ही जगह बना रखी है, टेबलें कितनी साफ हैं, चेयर कितनी साफ हैं, और वर्कर यहाँ पे एनी टाइम जब कोई आता है खड़े रहते हैं ऑर्डर लेने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए। और सर मैंने सुना आपने नीचे बेकरी का भी कुछ प्रोडक्ट रख रखा है। जी जी, बेकरी में जैसे आदमी खाने खाने के बाद कुछ स्वीट्स पसंद करता है, तो मेरी पेस्ट्रीज है एंड केक है, मेरे पास काफ़ी वैरायटीज है नीचे मेरे पास, तो आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर डाइनिंग मिलेगी मेरे पास। तो नीचे दिखाएं आप रेस्टोरेंट के नीचे क्या। तो ये बॉडी बिल्डिंग का खाना है, देखा जाए तो फुल डाइट खाना है। फुल डाइट, फुल डाइट में क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके? जी मेरे पास कबाब्स हैं एंड फिश है एंड मटन के हैं, और मटन बर्रा है, भुना हुआ गोश्त है, सिका हुआ, ये इस तरीके की आइटमें हैं जिसके अंदर बिल्कुल फैट फ्री खाना है मेरे पास, ये इसमें कोई फैट नहीं होगा। जी जी जी, देखा जाए तो हर कैटेगरी के बंदे का ध्यान रखा गया है अल जैद पे। अब अंदर आइए, ये बेकरी है भाई साहब की, इसमें भी प्रोडक्ट देखते हैं। ये मेरी बेकरी है जी, यहाँ मैं ये कुकीज़ बनाता हूँ अपने, ये मेरे सब अपनी जी मेरी अपनी मैनुफैक्चरिंग नहीं है। ये केक्स बनाता हूँ मैं, बर्गर, ये सब आटे की ब्रेड बनाता हूँ सब जी। ये सारा प्रोडक्ट आपका अपना बनाया हुआ है? जी जी, ये तुर्की की मिठाई बनाता हूँ मैं। इधर फोकस करें, इसके अंदर शुगर फ्री, ये हर आदमी इसको। कहाँ की है सर ये? ये तुर्की की है जी। तुर्की की जी, तुर्क मिठाई है ये। क्या क्या खासियत है इसकी? जी इसके अंदर एक तो मतलब शुगर नहीं है, दूसरा ये देसी घी के अंदर बनाता हूँ मैं इसको। अच्छा, इसके अंदर बहुत लाइटली मीठा होता है, लेकिन ये जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है कुछ है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट पूछी जाए तो कितनी कॉस्ट होगी ये एक डब्बा जो मैं देता हूँ ये 250 का देता हूँ जी, मैं 250 का देता हूँ। शुगर फ्री है, देसी घी में है ये जी। तो देखा जाए तो शुगर वालों के लिए 250 कोई ज़्यादा नहीं है, डायबिटीज से मरने से तो बेहतर है हल्का मीठा खाने। सर ये कुकीज़ भाई साहब के अपने प्रोडक्ट हैं जी जी। कोई ये नहीं कि सेल्समैन वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो, सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग है भाई साहब की जी। आप देख सकते हैं। तो सर इन कुकीज़ की जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, ये क्या चीज़ है? ये बिस्किट कौन सा है? रेड वेलवेट चॉकलेट बिस्किट है ये जी। ये यहाँ मिलेगा नहीं आपको ये। कॉस्ट क्या होगी सर इसकी? कॉस्ट होगी सर 150 रुपये। कितने पीस होंगे सर 150? इसके अंदर तो ये 10 पीस होंगे। 10 पीस जी, 10 पीस। 10 पीस होंगे 150 रुपये में। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये बिस्किट हैं सर, क्या है? ओट्स के बिस्किट हैं। ओट्स के बिस्किट हैं, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी सर? ये भी 150 रुपये के हैं सर। ये भी 150 के। पीस कितने होंगे? ये इसके अंदर होंगे तो अराउंड 16-17 पीस। 16-17 पीस। देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी हैं बिस्कुटों में, चॉकलेटों में। और ये देखें आप, ये रेड रोज बिस्किट जी, ये बहुत प्यारा लुक लग रहा है, चॉकलेटी लग रहा है। तो इसकी कॉस्ट मानी जाए तो ये भी 150 है। 150, मतलब ऑल प्रोडक्ट बिस्किट के 150 है मामला। ये क्या चीज़ है सर? ये तुर्की की मिठाई है सर। तुर्की की मिठाई जी जी। ये देखें जी, जिस भाई साहब ने नहीं देखी तुर्की की मिठाई कैसी होती है, तो आज जावेद भाई अपने हाथ से दिखा रहे हैं ये तुर्की की मिठाई है। तो सर ये भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? ये हमारी सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये कुकीज़ वगैरह सब हम अपने बनाते हैं ये। अच्छा अच्छा, इसकी कॉस्ट मानी जाए तो कितनी होगी सर? ये भी 150 है सर। 150 जी। तो इसमें ग्राम का हिसाब होता है, पीस का हिसाब? पीस का हिसाब होता है, पीस का हिसाब होता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि वो आपने पीछे बोतल कहाँ की रख रखी है सर? ये तो सर शैंपेन है, शैंपेन वगैरह पार्टी वगैरह में उड़ाने की, फ्रूट वगैरह की। तो सारी इंतजाम है कि पार्टी वार्टी करनी हो और कुछ काम रह गया हो तो उसके हिसाब से उड़ाते हैं ना बंदे, जब 1K या 10K हो जाते हैं तो उसके लिए शैंपेन बहुत काम आती है। तो जाहिद भाई ने सबका